दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि डिस्टिलेशन कॉलम में पैकिंग कब यूज किया जाता है और अपना और ट्रे कब यूज किया जाता है। तो दोस्तों जनरली पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा टॉपिक कि भाई एक डिस्टिलेशन कॉलम बना लेते हैं छोटा सा। मैंने यहाँ पे ये रिवॉल्वर लगा दिया दोस्तों और यहाँ पे एक कंडेंसर लगा दिया और यहाँ एक्यूमुलेटर लगा के मैंने ये रिफ्लेक्स कर दिया, डिस्टिलेट कर दिया और एक टॉप है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बेड लगा दिए, तो जो बेड लगता है पैकिंग का तो उसमें सपोर्ट ट्रेस होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ से कोई भी एवी बाइनरी मिक्सचर डाल रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों तो मैं जनरली बता दूँ, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर होता है। डिस्ट्रीब्यूटर मीन होता है कि आपका ये पाइप है, इसके ऊपर यहाँ पाइप होगा, यहाँ पाइप होगा, यहाँ पाइप होगा। मैं यहाँ से इन कर रहा हूँ तो कोई लिक्विड, तो क्या होगा कि लिक्विड इन कर रहा हूँ तो पाइप जुड़े होंगे आपस में बराबर। तो इसमें होल्स होंगे सब पाइपों में, इसमें भी होल्स होंगे, इसमें भी जो इसके प्लस में है उस पर भी होल्स होंगे। तो क्या होगा कि सब में से डिस्ट्रीब्यूट होगा। जनरली हम कह सकते हैं कि जो गांव जो अपना माली होता है जो जैसे पानी स्प्रे करता है उस वो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर होता है दोस्तों। तो ये जनरली जानकारी थी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, इसमें क्या मास ट्रांसफर होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं कि भाई पॉइंट पे चलते हैं कि जो पैकिंग होता है ना, पैकिंग में जो प्रेशर ड्रॉप है कम्पेयर दैट जो ट्रे के कम्पेयर दैट में कम होता है दोस्तों। कम क्यों होता है, उसका रीजन तो कम देखो मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारा ये बराबर, मैं आपको एक एग्जांपल देके अच्छे से समझा देता हूं एक बार। तो ये हमारा ट्रे, देखो यहां से हमारा कोई आया लिक्विड ऐसे करके ऐसे गया ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां होल्ड होगा ठीक है। तो यहां से इसे बोलेंगे, इस वाले सेक्शन को बोलेंगे इनलेट वियर और इसे बोलेंगे आउटलेट वियर, इसे बोलेंगे डाउन कमर ओके। अब देखो प्रेशर ड्रॉप क्यों ज्यादा होगा, इसमें छोटे 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 होल होंगे बराबर। अब गैस जाएगा ठीक है, तो यहां होल्ड है थोड़ा, तो क्या होगा वहां प्रेशर ड्रॉप, यहां पर तो प्रेशर ड्रॉप क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो इस वजह से क्योंकि होल्ड अप होता है ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि भाई डाउन कमर क्या होता है, डाउन कमर लगाया क्यों जाता है। तो लिक्विड क्या है कि ज्यादा मात्रा में गिरेगा एक साथ तो कुछ भी डैमेज कर सकता है, कुछ भी नुकसान कर सकता है हमारा। तो धीरे धीरे फ्लो करने के लिए, तो यहां से धीरे धीरे इंक्लाइनर थोड़ा, तो धीरे धीरे फ्लो करने के लिए वहां पर क्या होता है, डाउन कमर लगाया जाता है। मैं बोलूं कि वियर क्यों लगाया जाता है, तो वहां लिक्विड को होल्ड करना है, इस वजह से वियर लगाया जाता है। नेक्स्ट चले कि दूसरा है कि जो डाया अगर 0.6 मीटर से कम है, या तो बराबर है या कम है, तो वहां पर पैक्ड कॉलम यूज किया जाएगा। इससे ज्यादा है तो ट्रे कॉलम यूज किया, क्योंकि कम डाये में ट्रे इंस्टॉल करना आसान नहीं है, मैकेनिकल नहीं उसमें कर सकते इंस्टॉल आसानी से, इसलिए उसमें पैक्ड कॉलम यूज किया जाता है। थर्ड चलते हैं कि भाई जो ट्रे कॉलम होता है उसमें फ्लडिंग होने के ज्यादा चांस, क्योंकि यहाँ पे देखो होल्ड हो रहा है अभी। क्या फ्लडिंग क्या है कि अभी पहले मैं आपको तो व्हीपिंग समझा देता हूँ। व्हीपिंग में क्या होता है, गैस वेलोसिटी कम होती है, तो ये जो लिक्विड है धीरे धीरे चूने लगता है, धीरे धीरे आएगा। अब जब ये क्रिया जो ज्यादा से होने लगती है, मतलब लिक्विड बहुत ज्यादा मतलब बाढ़ की तरह गिरने लगता है, उसे बोलते हैं फ्लडिंग। तो इसमें फ्लडिंग होने देते होल्ड होता है, उसमें क्या है कि पैक्ड कॉलम में होने कोई चांस ही नहीं, क्यों होल्ड होते ही नहीं। अब नेक्स्ट आता है कि अगर कोई भी जो हमारा मटेरियल है हीट सेंसिटिव हो, तो क्या है कि वहां के लिए क्या होगा, पैक्ड कॉलम का यूज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो ट्रे कॉलम होता है, तो उसमें क्या होता है, ट्रे कॉलम में क्या होता है कि ट्रे में कॉलम में आपका रेसिडेंस टाइम ज्यादा मिलता है कंपेयर दैट पैक्ड कॉलम के। तो इसलिए हीट सेंसिटिव के लिए हमेशा पैक्ड कॉलम यूज करेंगे ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पांच,
चौथा कि भाई ट्रे कॉलम, जैसे जनरली हम बताएं ट्रे कॉलम में अगर 15 PSI है तो जो अपना पैक्ड कॉलम है उसमें 7 PSI के लगा होगा, 7 PSI नियर अबाउट। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं कि भाई नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट में क्या है दोस्तों कि यहां पे अगर जो पैक्ड कॉलम होता है उसमें चैनलिंग के चांस होता है, जबकि ट्रे कॉलम में चांस नहीं होता, क्योंकि यहां से देखो धीरे 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 ऐसे होने लगेगा, यहां से आने लगेगा, चैनलिंग होने लगेगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर बराबर नहीं हो पा रहा है तो चैनलिंग होने लगेगा, तो क्या है कॉन्टेक्ट बराबर हो नहीं पाएगा गैस और लिक्विड का, तो चैनलिंग होने के ज्यादा चांस रहेंगे। डर्टी मटेरियल तो हमारा हमेशा ट्रे यूज किया जाता है, क्योंकि जो डर्टी मटेरियल यूज हो रहा है तो क्या होता है कि वहां पर जो स्केलिंग कर देगा और पूरा जाम कर देगा पैकिंग को, इसलिए हमेशा अपना ट्रे यूज किया जाएगा, ट्रे कॉलम। अगर कोरोसिव मटेरियल है तो उसके लिए पैक्ड कॉलम यूज किया जाएगा, क्योंकि जो पैकिंग होता है वो जनरली पीपी सिरामिक और आपका कार्बन वगैरह और मटेरियल्स का होता है, इस वजह से वहां पे और जो के लिए हमेशा पैक्ड कॉलम यूज किया जाएगा। अब देखो हमारी बात आती है नेक्स्ट कि भाई पैकिंग का हाइट कैसे निकालना है, पैकिंग का हाइट कैसे निकालना है तो उसके लिए हम थोड़ा HETP पढ़ते हैं, ठीक है। HETP क्या होता है, हाइट इक्विवेलेंट वर्टिकल प्लेट। तो हाइट इक्विवेलेंट टू 130 प्लेट, तो इसे पढ़ते हैं तो इसका जो जनरली है दी गई पैकिंग के द्वारा लिक्विड व गैस फेज के बीच मास ट्रांसफर को प्रभावित करने की क्षमता को हाइट इक्विवेलेंट टू 130 प्लेट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैं आपको बता दूं जनरली कि हमारा ये कॉलम है, अब यहां से लेके यहां तक है जो हमारा मास ट्रांसफर हो रहा है, तो वो एक प्लेट में जो हो रहा है वो यहां से कितने में होगा उस हिसाब से उसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो हाइट इक्विवेलेंट टू 130 प्लेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आया। मतलब एक ट्रे जो हमारा मास ट्रांसफर कर रही है वो ये कितना करेगी जो पैकिंग के द्वारा, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देखो जनरली इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम आपको यहां बता देते हैं दोस्तों। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसका जो फॉर्मूला हाइट निकालनी है तो क्या होगा, HETP इंटू नंबर ऑफ आइडियल प्लेट रिक्वायर। तो यहां पे जो नंबर ऑफ ट्रे है वो मैकेनिकल मेथड से निकाल लेंगे, तो यहां से हम लोग उसकी हाइट HETP निकाल लेंगे और हम उसका आराम से कैलकुलेशन कर पाएंगे कि भाई कितने हाइट की चाहिए। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको मैंने आउटपुट अच्छा देने की कोशिश की है। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे आपके पास नोटिफिकेशंस जो भी हम डालें वो टाइम से पहुंच पाए दोस्तों। तो हम फिर से मिलेंगे जल्दी, तो आपको देखो पीपिंग भी जानने को मिला, यहाँ चैनलिंग भी जानने को मिला, फ्लडिंग भी जानने को मिला साथ में। तो दोस्तों अगर किसी को और किसी चीज की कोई भी डेफिनेशंस की आवश्यकता है तो वो कमेंट में मुझे बोले, तो हम उस टॉपिक पे और लेक्चर बनाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।